बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज मुर्तुजा काइद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो का एजेंडा दैट इज आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स के स्टैंडर्ड का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखना है। इस वीडियो लेक्चर में हम इस स्टैंडर्ड को समराइज फॉर्म में कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स की, तो ये स्टैंडर्ड हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड फाइव स्टेप मॉडल प्रोवाइड करता है। इन फाइव स्टेप मॉडल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू आईएफआरएस 15 के तहत रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आईएफआरएस 15 की इंट्रोडक्शन के रीजंस की, तो आईएफआरएस 15 का स्टैंडर्ड कोई बहुत पुराना स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये कोई 3-4 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया था और इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो 1 जनवरी 2018 रखी गई थी। और इससे पहले भी हमारे पास रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, मल्टीपल एसआईसीज, मल्टीपल इफ्रिक्स हुआ करते थे, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये था कि इन सारे स्टैंडर्ड्स, एसआईसीज और इफ्रिक्स के दरमियान जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ जगहों पर एक दूसरे से क्लैश कर रही थी। और सेकेंडली, एक अकाउंटेंट को ये डिफिकल्टी फील होती थी कि जब भी उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसे रेलेवेंट स्टैंडर्ड, रेलेवेंट एसआईसी, रेलेवेंट इफ्रिक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि किस स्टैंडर्ड, एसआईसी या इफ्रिक के तहत वो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करे। और कुछ जगहों पर इन मल्टीपल स्टैंडर्ड्स और इफ्रिक्स और एसआईसी की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी आपस में एक दूसरे से क्लैश कर रही थी। तो इस सारी एजेंसी, सारी डिफिकल्टीज को समझते हुए आईएसबी ने यह डिसाइड किया कि रेवेन्यू जैसे इंपॉर्टेंट नंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और उसके बाद फिर आईएफआरएस 15 इंट्रोड्यूस हुआ और अब जो भी रेवेन्यू होगा, जैसा भी रेवेन्यू होगा, वो हम आईएफआरएस 15 के तहत ही अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। सबसे पहली बात, अगर हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टाइटल को देखें तो उसका टाइटल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाले रेवेन्यू पे अप्लाई होगा जिसमें आपकी काउंटर पार्टी कस्टमर्स हैं। यानी कि अगर अपने एक कंपनी अपने कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज से आने वाला रेवेन्यू हम आईएफआरएस 15 में अकाउंट फॉर करेंगे। लेकिन अगर काउंटर पार्टी कस्टमर के अलावा कोई और पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अपनी किसी ग्रुप कंपनी के साथ डील करती है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अपनी किसी शेयर होल्डर्स के साथ डील करती है, तो उन ट्रांजेक्शन्स में हम आईएफआरएस 15 अप्लाई नहीं करेंगे। ये वहां अप्लाई होगा जब एक कंपनी अपने किसी कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फॉर सम गुड्स, फॉर सम सर्विसेज। अब बात करते हैं आईएफआरएस 15 के प्रिंसिपल बेस्ड फाइव स्टेप मॉडल की। आईएफआरएस 15 से पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था आईएस 18 रेवेन्यू की रिकॉग्निशन के लिए, और आईएस 18 में जो बेसिकली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता था उसके लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड की टर्म्स इस्तेमाल की गई थी कि जब गुड्स एंड सर्विसेज का रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर को ट्रांसफर हो जाए उस वक्त हम रेवेन्यू रिकॉर्ड किया करते थे। लेकिन आईएफआरएस 15 ने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड फाइव स्टेप मॉडल प्रोवाइड किया, जिसका स्टेप वन है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स, स्टेप टू है आइडेंटिफाई दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टेप थ्री डिटरमाइन दी ट्रांजेक्शन प्राइस, स्टेप फोर अलोकेट ट्रांजेक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एंड स्टेप फाइव रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे, चाहे वो गुड, सर्विस या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, इन पे हम एक प्रिंसिपल बेस्ड फाइव स्टेप मॉडल को अप्लाई करेंगे और इस फाइव स्टेप मॉडल को फॉलो करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट का हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इन पांचों स्टेप्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन पहले छोटा सा शॉर्ट ओवरव्यू देखें। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स, यानी कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपने कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना है। दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन दी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मार्केट इन विच यू आर ऑपरेटिंग। एक कंपनी जिस इन्वायरमेंट में, जिस लीगल ज्यूरिसडिक्शन में ऑपरेट कर रही है, जिस मार्केट में ऑपरेट कर रही है, वहां के नॉर्म्स, वहां के रेगुलेशंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इन शॉर्ट, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नंबर टू, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आपके कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर्स को आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस को हम एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। बेसिकली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब है कि आप क्लाइंट को, आप कस्टमर को क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस को हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के नाम से पुकार रहे होंगे। आईएफआरएस 15 ने डिटेल में बात की है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते किसको है और गुड्स एंड सर्विस को हम डिस्टिंक्ट किस तरह से एस्टैब्लिश कर रहे होंगे। स्टेप नंबर थ्री, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के अगेंस्ट जो भी उससे कंसिडरेशन रिकवर की जा रही होगी, जो भी उससे कंसिडरेशन रिसीव की जा रही होगी, इस कंसिडरेशन को आईएफआरएस 15 में ट्रांजेक्शन प्राइस के नाम से पुकारा जा सकता है। ये ट्रांजेक्शन प्राइस मॉनेटरी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी हो सकती है। एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस देने के अगेंस्ट जो भी उससे मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी वैल्यू रिकवर की जाएगी, कंसिडरेशन रिकवर की जाएगी, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजेक्शन प्राइस का नाम देंगे। स्टेप फोर,
allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of standalone selling price of each performance obligation. स्टेप टू में आपने कॉन्ट्रैक्ट की गुड्स एंड सर्विस को आइडेंटिफाई किया, स्टेप थ्री में कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को आइडेंटिफाई किया, स्टेप फोर में आप करोगे ये कि स्टेप थ्री की ट्रांजेक्शन प्राइस को अपने कॉन्ट्रैक्ट के डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे अलोकेट कर दोगे और जो अलोकेशन की बेसिस रखी गई है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस रखी गई है। यानी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के दरमियान अलोकेट करेंगे उनकी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में। एंड स्टेप फाइव, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जैसे जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड किए जा रहे होंगे वैसे वैसे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। और एक एडिशनल बात यहाँ पे कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कभी गुड्स एंड सर्विस या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम कस्टमर को ट्रांसफर होगी तो रेवेन्यू भी एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा, लेकिन कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी भी होंगी जिसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कस्टमर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई करके दी जा रही होगी तो फिर इस केस में हम रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था IFRS 15 के प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल का। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे स्टेप्स के ऊपर शॉर्ट शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IFRS 15 ने हमें कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर से अराइज होने वाले रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड करा, आज की वीडियो में हम इन 5 स्टेप्स में से पहला स्टेप कवर करेंगे, दैट इज स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अवेलेबल है, दैट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट एन एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान हो, जो पार्टीज के लिए इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करें, इस तरह के एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी किस एनवायरमेंट में, किस ज्यूरिसडिक्शन में, किस मार्केट में ऑपरेट कर रही है, वहां के नॉर्म्स, रेगुलेशंस एंड रूल्स को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी फॉर्म हो सकती है। इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उस लीगल एनवायरमेंट में उस कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्सेबल होना जरूरी है। तो ये तो हमने एक जनरल डेफिनेशन देखी कि व्हेन एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करे तो वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन IFRS 15 ये कहता है कि एग्रीमेंट में कम से कम ये 5 एट्रीब्यूट होने चाहिए, तब जाके वो IFRS 15 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा और फिर हम इस पे IFRS 15 का प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये 5 मिनिमम एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एग्रीमेंट में मौजूद होने चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर सच एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 15। नंबर 1, पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटेड टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की अप्रूवल दी हो, कॉन्ट्रैक्ट की कमिटमेंट की उनकी ऑब्लिगेशन हो। नंबर 2, ईच पार्टीज राइट टू गुड्स एंड सर्विसेज आर आइडेंटिफाइड। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होने हैं उनका राइट टू द गुड्स एंड सर्विसेज डिटर्मिनेबल हो, आइडेंटिफाइड हो। नंबर 3, पेमेंट टर्म्स फॉर गुड्स एंड सर्विस कैन बी आइडेंटिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट में हमारी कंपनी को जो कंसिडरेशन या ट्रांजेक्शन प्राइस रिकवर करनी है इससे रिलेटेड पेमेंट टर्म्स डिटर्मिनेबल हो, आइडेंटिफाइड हो। नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट एज कमर्शियल सब्सटेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कोई कमर्शियल सब्सटेंस रखता हो। यहाँ पे बेसिकली हमने ध्यान रखना है रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का या उन कॉन्ट्रैक्ट का जो कि नॉन मार्केट टर्म्स पे की जा रही होती है। एंड नंबर 4, इट इज प्रोबेबल दैट कंसिडरेशन विल बी रिसीव्ड। हमें इस बात की अश्योरेंस, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी हो कि हम कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो बदले में जो कंसिडरेशन है वो हम रिकवर कर सकेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम कस्टमर्स की एबिलिटी और इंटेंशन देखेंगे कि आइदर हमारा कस्टमर कितना कैपेबल है, इतना एबल है कि वो हमें कंसिडरेशन पे करेगा, एंड सेकेंडली क्या उसकी इंटेंशन है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन पे करेगा। तो कम अज कम एक एग्रीमेंट में ये मिनिमम 5 एट्रीब्यूट होंगे तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की अम्ब्रेला में फॉल करेगा एज पर IFRS 15, और फिर हम इस पे फर्दर स्टेप्स अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू एज पर IFRS 15। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट, अगर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट की सारी पार्टीज के पास ये राइट हो कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टीज, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट की जो सबसे पहले जनरल डेफिनेशन देखी थी, इट क्रिएट्स इनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, पार्टीज की अप्रूवल हो, पार्टीज की कमिटमेंट हो। अगर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट की सारी पार्टीज,
कॉन्ट्रैक्ट की सारी पार्टीज के पास ये राइट हो कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सके विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, देन इट मींस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अंडर आईएफआरएस 15। अच्छा, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कॉन्ट्रैक्ट की कुछ पार्टीज के पास कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का राइट हो, कुछ पार्टीज के पास कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का राइट ना हो। अगर सारी पार्टीज के पास ये राइट है कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट की कुछ पार्टीज के पास टर्मिनेशन का राइट है, कुछ पार्टीज के पास टर्मिनेशन का राइट नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल आईएफआरएस 15 का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सर, अब हमारे जहन में आ रहा होगा कि व्हाट इफ कि हम कोई एग्रीमेंट करें जिसमें इन पांच में से कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग हो, तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में आईएफआरएस 15 हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के ये पांचों एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं है, कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग है, तो फिर आईएफआरएस 15 हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में इन एट्रीब्यूट्स में से कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग हो या कोई एक से ज्यादा कंडीशन पूरी ना हो, तो फिर इस तरह के एग्रीमेंट के अगेंस्ट आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे जब इन दो में से कोई एक बात होगी। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी ऑफ द अबव कंडीशन, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द एंटिटीज परफॉर्मेंस इज कंप्लीटेड सब्सटेंशियली, ऑल द कंसिडरेशन हैज बीन कलेक्टेड एंड इट इज नॉन रिफंडेबल। पहले वाले सिनेरियो में तीन कंडीशंस हैं, द एंटिटीज परफॉर्मेंस इज कंप्लीटेड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुकी हो, नंबर टू सब्सटेंशियली ऑल द कंसिडरेशन हैज बीन कलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन या ट्रांजेक्शन प्राइस रिकवर हो चुकी हो, एंड इट इज नॉन रिफंडेबल, जो कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन या ट्रांजेक्शन प्राइस है वो नॉन रिफंडेबल हो। अगर ये तीनों बातें जिस वक्त पूरी हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई, कंसिडरेशन रिसीव हो गई और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल है, आप इस पे फाइव स्टेप मॉडल फॉलो नहीं करोगे, जिस वक्त ये तीनों बातें पूरी हो जाएंगी आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दोगे। या फिर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड एंड द कंसिडरेशन इज नॉन रिफंडेबल। दूसरे सिनेरियो में भी तीन कंडीशन ही है, कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो चुका हो, कंसिडरेशन रिसीव हो चुकी हो और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो। यानी कि अगर हम किसी कस्टमर के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें इन पांच में से कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिसिंग है, तो फिर हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे उस वक्त जब इन दो में से कोई एक बात पूरी हो। पहली बात में भी तीन कंडीशन है, दूसरी बात में भी तीन कंडीशन है। पहली बात में नंबर वन कंडीशन के कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो चुकी हो, नंबर टू कंसिडरेशन के कंसिडरेशन रिसीव हो चुकी हो एंड नंबर थ्री कंसिडरेशन के कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो। या फिर दूसरा सिनेरियो कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, नंबर टू कंसिडरेशन रिसीव हो जाए एंड नंबर थ्री कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो। अगर इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो भी हिट हो जाएगा, तो जिस वक्त आपका वो सिनेरियो हिट होगा, आप उस एग्रीमेंट के तहत रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास स्टेप वन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के हवाले से, कि व्हाट इफ कि हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, लेकिन उसकी कंप्लीशन से पहले अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई होता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन को हम किस तरह से अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। सबसे पहले मॉडिफिकेशन को समझिएगा कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ सॉर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग जनरली एग्री होती है कि कंपनी कस्टमर को ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, बदले में कस्टमर ये प्राइस या ये कंसिडरेशन पे करेगा। अगर सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज या प्राइस में चेंज आता है, कॉन्ट्रैक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या चेंज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस चेंज हो जाती है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप या प्राइस इन दोनों में से किसी एक या दोनों चीजों में चेंज आता है, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कब करेंगे वो डिपेंड करता है अ चेंज इन इनफोर्सिबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दैट इज स्कोप एंड सर्विसेज इज ओनली अकाउंटेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इफ इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द पार्टीज एंड क्रिएट्स न्यू और एक्सचेंजेस एग्जिस्टिंग इनफोर्सिबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के एग्री होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद सब्सिक्वेंटली उसके स्कोप या प्राइस में से चेंज आता है, तो आप इस पे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करेंगे जिसको हम अभी डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन ये मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग उस वक्त होगी जब कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन की अप्रूवल पार्टीज ने दे दी हो और इस मॉडिफिकेशन के नतीजे में एग्जिस्टिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में कोई इंक्रीज, डिक्रीज या चेंज आ रहा हो। जब पार्टीज की अप्रूवल और इन्फोर्सिबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में कोई चेंज आ रहा होगा, इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कर रहे होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये भी ध्यान में रखनी है कि हमने एक कंडीशन देखी था कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज टू बी अप्रूव बाय द पार्टीज। ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हो जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहा हो लेकिन पार्टीज की अप्रूवल ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या लीगल इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस
इन्फोर्स हो जाती है और पार्टीज इस सिचुएशन में है कि वो इसकी अप्रूवल नहीं दे रही, तो फिर आपने ये देखना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हो रही है क्या ये लीगल इन्वायरमेंट में, क्या ये मार्केट नॉर्म्स के तहत इन्फोर्सेबल है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन इन्फोर्सेबल है इवन दो के पार्टीज उस पर रजामंद नहीं भी है, तो अगर लीगल इन्वायरमेंट उस चीज को सपोर्ट करता है तो भी हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कर रहे होंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा, इसको हमने एक समरी डायग्राम में समराइज किया है। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की केस में कंपनी अपने आप से कुछ दो चार बेसिक से सवाल पूछेगी और उन सवाल की आंसर के बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को किसी एक तरह से अकाउंट फॉर करेंगे। सबसे पहला सवाल होगा, आर एडिशनल गुड्स एंड सर्विस इन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन डिस्टिंक्ट। सबसे पहले आपने ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में कोई नए गुड्स एंड सर्विस एड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड हो रहे हैं, और वो जो एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं क्या वो डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करता है। डिस्टिंक्ट के क्राइटेरिया पे हम स्टेप टू में डिटेल में बात करेंगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस एड हो रहे हैं और क्या वो एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है। अगर जवाब आता है यस कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में डिस्टिंक्ट एडिशनल गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड हो रहे हैं, फिर आपने अगला सवाल देखना है, डज कंसिडरेशन फॉर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेस रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेस। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस जो कि डिस्टिंक्ट है वो ऐड हो रहा है, फिर हमें देखना है कि क्या इन एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट कोई एडिशनल कंसिडरेशन है और क्या वो एडिशनल कंसिडरेशन इन एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट प्राइस, इन एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के आसपास या उनकी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है। अगर दूसरे सवाल का जवाब भी यस आ जाता है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट भी है और इन एडिशनल गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट एडिशनल कंसिडरेशन स्टैंडर्ड ऑन कंसिडरेशन को रिफ्लेक्ट भी कर रही है, तो फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिक्सअप नहीं करोगे बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। यानी हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अलग चलेगा और इस मॉडिफिकेशन में जो एडिशनल प्राइस और एडिशनल गुड्स एंड सर्विस है इसको हम एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर अकाउंट फॉर करेंगे। वॉट इफ कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ही ना हो, या एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज तो हो लेकिन वो डिस्टिंक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज को कम कर दें, या फॉर एग्जाम्पल कि हम एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज को ही चेंज कर दें, यानी कि कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ना हो, या फिर अगर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज है भी तो वो डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, तो फिर इस केस में हमें अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसको IFRS 15 क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट के नाम से पुकारता है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में एडिशनल गुड्स एंड सर्विस मौजूद नहीं है, या एडिशनल गुड्स एंड सर्विस तो है लेकिन वो डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट नहीं करते, तो फिर इस केस में आप अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू को ही एडजस्ट करोगे और इस एडजस्टमेंट को हम क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट का नाम देते हैं। और तीसरा सिनेरियो हमारे पास कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है लेकिन इनके अगेंस्ट कोई एडिशनल कंसिडरेशन नहीं है, या फिर इनके अगेंस्ट एडिशनल कंसिडरेशन है तो वो इन एडिशनल गुड्स एंड सर्विस की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में एडिशनल गुड्स एंड सर्विस हो और वो एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट भी हो लेकिन उनकी अगेंस्ट कोई एडिशनल कंसिडरेशन ना हो, या फिर एडिशनल कंसिडरेशन हो तो वो एडिशनल कंसिडरेशन इन एडिशनल गुड्स एंड सर्विस की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट ना करे, तो इस केस में हम कुछ ऐसा काम करेंगे, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेट दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग को वहां तक टर्मिनेट कर देना है जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुआ। टर्मिनेट दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है हम उसकी अकाउंटिंग को वहां तक टर्मिनेट कर देंगे और एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे। अब नए कॉन्ट्रैक्ट में होगा ये कि हमारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस का वो एलिमेंट जो अभी तक रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, दैट इज कंसिडरेशन फ्रॉम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकोगनाइज, यानी हमारे ओरिजिनल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस कंसिडरेशन का वो कंपोनेंट जो अभी तक हमने रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया, प्लस कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, प्लस अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में हमें कोई एडिशनल कंसिडरेशन मिल रही है, इस टोटल अमाउंट को यानी कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस का वो कंपोनेंट जो रेवेन्यू का पार्ट नहीं बना, प्लस मॉडिफिकेशन के नतीजे में अगर हमें कोई एडिशनल अमाउंट रिसीव हो रहा है, इन दोनों को अब आप अलोकेट करोगे कॉन्ट्रैक्ट की रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। और कॉन्ट्रैक्ट के रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के भी कुछ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगी और कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में कुछ नई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऐड हुई होगी, तो आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन का वो कंपोनेंट उठाओगे जो कि रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ,
इसमें हम प्लस करेंगे मॉडिफिकेशन के नतीजे में मिलने वाला एडिशनल रेवेन्यू। इस टोटल नंबर को अब हम अलोकेट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट की टोटल रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का वो हिस्सा जो रेवेन्यू के तौर पे जो कि अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, प्लस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में आने वाली एडिशनल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और अगेन ये एलोकेशन हमारी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में की जा रही होगी। अच्छा, हमने ये डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर किया जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में हम कोई क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में हम एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग को टर्मिनेट करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर देंगे। प्रैक्टिकली ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में इन तीनों में से कोई दो या तीनों सिनेरियो एक ही वक्त में ट्रिगर हो रहे हो, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन ऐसी क्रिएट की जाए जिसमें ये भी सिनेरियो आ रहा हो, ये भी सिनेरियो आ रहा हो, या ये वाला सिनेरियो आ रहा हो, या ये सिनेरियो आ रहा हो, या तीनों ही सिनेरियो एक ही वक्त में ट्रिगर हो रहा हो, तो अकॉर्डिंगली हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते वक्त केस टू केस बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि ये तीन पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन किस तरह की जा रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक वक्त में एक, दो या तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के कॉन्सेप्ट एक ही सिनेरियो में अप्लाई किए जाए। तो यहां तक हमारा स्टेप वन कंप्लीट होता है, दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम IFRS 15 के रिमेनिंग स्टेप्स को कवर करेंगे। थैंक यू।